हिमाचल यूनिवर्सिटी की इंटर कॉलेज वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप यहाँ पे कुल्लू में हो रही है। इसमें 9 टीमें यहाँ पे हिस्सा ले रही है और सबसे बड़ी बात है कि हमारी बेटियाँ जो ये फुटबॉल खेल रही है, एक बहुत बड़ी बात है कि हर ज़िले से लगभग जो टीमें यहाँ पे पहुँची है और मेज़बानी में कुल्लू जो महाविद्यालय कुल्लू है इसके जो प्रिंसिपल है मनदीप शर्मा जी और इनकी पूरी टीम इसमें लगे हुए हैं। निकट भविष्य में इस मैदान को और खूबसूरत कैसे बनाया जाए, यहाँ पे ये स्टैंड्स बन रहे हैं जो है ज़िला लाडा फंड की तरफ से, नगर परिषद कुल्लू ने भी इसको जो इसका इनकी यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। निकट भविष्य में ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए ये बेहतरीन एक मेज़बान हमारा कुल्लू बने, इसके लिए ये सारी व्यवस्था परिवर्तन है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के अगुवाई में और शिक्षा मंत्री जो रोहित ठाकुर हैं उनके जो इसके विभाग के जो मंत्री हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि बच्चों को इनकी शारीरिक क्षमता जो यहाँ पे इसमें आंकी जाएगी उसके साथ साथ इन्हें एक एक्सपोजर यहाँ पे मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कुल्लू में ये इवेंट हो रहा है ये एक बड़े सौभाग्य की बात है। सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि जो छात्रों की जो डाइट मनी है, जो खेल कूद प्रतियोगिता में जाते हैं उनकी डाइट मनी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है हाल ही के बजट में, और 250 रुपये उसे कर दिया है ना पर डे 20 से, यानी कि दोगुना इसको कर दिया गया है। और उसके साथ में जो यात्रा का है इनको सुविधा दी जाएगी, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जब ये जाएंगे बच्चे तो उनको ए क्लास की रहने की और ट्रैवलिंग की सुविधा दी जाएगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे ये जो देश के भविष्य के लिए जो हमारे हिमाचल के भविष्य कॉलेजों में हैं इनके लिए किया है। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा प्रोत्साहन इन खेलों को मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।